ठीक है, तो हम न्यूक्लियस की बात कर रहे थे, मतलब हाँ हम ये बात कर रहे थे कि जैसे आप समझिए कि अभी मैंने बोला कि सेल वॉल होती है, तो क्या अगर प्लांट में सेल वॉल होती है तो क्या सेल मेम्ब्रेन नहीं होती? सेल मेम्ब्रेन भी होती है, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन भी रहती है, ठीक है। इसके अंदर जैसे मान लीजिए कि ऐसे ये ऊपर की सेल वॉल है, ठीक है, तो ये अंदर वाली क्या रहेगी? सेल मेम्ब्रेन रहेगी। और जिनके अंदर सेल वॉल नहीं होती उसमें सेल मेम्ब्रेन ही सबसे आउटर लेयर हो जाती है, क्लियर। तो ये दो चीजें हमने पढ़ ली। अब तीसरी चीज पढ़ते हैं, सेल के अंदर क्या होता है, बीचों बीच एक न्यूक्लियस होता है। अब न्यूक्लियस है क्या, ऐसा समझिए कि अगर जैसे सीपीयू क्या करता है एक कंप्यूटर के लिए, भाई सीपीयू को क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं, यानी कि पूरा कंप्यूटर वही करेगा जो सीपीयू बताएगा, है ना, जो सीपीयू जैसा कहेगा वैसा करेगा कंप्यूटर। यानी कि सीपीयू क्या करता है, कंट्रोल करता है सारे फंक्शंस इसके कंप्यूटर के, ठीक है, कंप्यूटर के सारे फंक्शंस को सीपीयू कंट्रोल करता है। ऐसे ही जैसे हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है हमारी पूरी बॉडी को, तो इसी तरीके से एक सेल को कंट्रोल करने के लिए भी तो कोई कंट्रोलिंग यूनिट चाहिए। वो कंट्रोलिंग यूनिट क्या होती है? न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये जो न्यूक्लियस है ये पूरे सेल की कंट्रोलिंग यूनिट है, मतलब पूरे सेल में जो भी कुछ होगा वो ये न्यूक्लियस ही डिसाइड करेगा कि क्या होगा, कैसे होगा, कौन क्या काम करेगा, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस जो बॉस है सेल का, ठीक है। अब ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, अब ये जो न्यूक्लियस है ना भाई, देखो ऐसे समझो इतनी जरूरी चीज, ठीक है, ऐसे अकेले तो नहीं घूम सकती, कोई इसको चोरी वोरी कर ले तो इसके ऊपर क्या रहता है, इसके ऊपर भी एक प्रोटेक्टेड लेयर रहती है, ठीक है, इसके ऊपर भी एक प्रोटेक्टिव लेयर रहती है। इस लेयर का नाम क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, इस लेयर का नाम है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब ये मेम्ब्रेन क्यों जरूरी है? तो ये मेम्ब्रेन इसलिए जरूरी है ताकि सेल को, अब मैं आपको सिंपल चीज देता हूं, यहां से मैंने बोला था सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, कंट्रोल करता है कि सेल के अंदर क्या जाएगा क्या नहीं जाएगा। अगर सेल मेम्ब्रेन से सामान अंदर चला गया, कुछ भी चीज अंदर चलेगी, चाहे ऑक्सीजन गया, चाहे कोई फूड गया, कुछ भी गया अंदर चला गया, अब वो डायरेक्टली यहां तक तो नहीं पहुंच पाएगा, न्यूक्लियस तक तो नहीं पहुंच पाएगा। तो न्यूक्लियस तक, अब क्या मान लो कि ऐसा हो सकता है कि कुछ चीजें सेल को तो चाहिए पर न्यूक्लियस को नहीं चाहिए, ठीक है, पर लेकिन अगर सेल के अंदर पहुंच गई तो न्यूक्लियस तक भी पहुंच जाएंगी। तो इसीलिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ताकि ये डिसाइड करती है कि न्यूक्लियस को क्या चीजें देनी है और क्या चीजें नहीं पहुंचानी है, ठीक है। मान लो अब कोई चीज आई सेल के अंदर पहुंची, ठीक है, अब वो न्यूक्लियस तक पहुंचानी जरूरी है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसको जाने देगी न्यूक्लियस तक। पर अगर कोई चीज आई सेल के अंदर आ गई है लेकिन न्यूक्लियस तक नहीं पहुंचनी चाहिए तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसको वहां तक नहीं पहुंचने देगी। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये काम आती है, ठीक है। ऐसे ही जैसे हमारा जो ब्रेन है वो एक हमारा इम्पोर्टेंट फंक्शन है, इम्पोर्टेंट जो है वो पार्ट है बॉडी का, तो उसको भी आपको पता है ना प्रोटेक्टेड है, किससे प्रोटेक्टेड है? स्कल से, खोपड़ी। अब ऐसे ऐसे करके देखो, ठीक है, तो खोपड़ी है ना, एकदम दिमाग पे तो नहीं लग रही है ना, है ना कुछ उसके ऊपर, तो ये क्या है, ये है खोपड़ी यानी कि स्कल, ठीक है। तो ये स्कल प्रोटेक्ट करके बैठा है, ठीक है, हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करके बैठा है। इसी तरीके से ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो इस न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करके बैठती है। इतनी बात समझ में आ गई। अब ऐसा होता है कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, कुछ के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, मतलब मैक्सिमम सब में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, किसी किसी के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, ठीक है। तो ऐसे आप जैसे मान लीजिए कि मैक्सिमम के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, तो जिसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी उन ऑर्गेनिजम्स को कहेंगे क्या? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी उनको कहेंगे यूकैरियोटिक, ठीक है, और जिनके अंदर नहीं होगी, ठीक है, अगर मान लो इनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की जगह क्या होगा? उसकी जगह ना ऐसे एक ऐसे ऐसे जेली जेली सी होगी, ठीक है, एक जेली सी होगी जिसको बोलते हैं क्या? न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड होगा, मतलब जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी उनके अंदर क्या होगा? न्यूक्लिक एसिड होगा, ठीक है। तो जिनके अंदर न्यूक्लिक एसिड होगा उनको क्या बोलेंगे? उनको बोलेंगे प्रोकैरियोट्स। इतनी बात समझ में आई। अब आई एम 100% श्योर, ये तो आपको याद रहेगा कि एक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है एक में नहीं होता, पर आप पेपर में ये जरूर भूल जाओगे कि कौन से वाले में होता है कौन से में नहीं होता। तो उसके लिए हमारे पास एक हैक है, ठीक है, हैक क्या है? लाइफ हैक,
क्या हैक है। अब आप लोगों ने कभी ना कभी ऐसा वर्ड सुना होगा, यार तू तो बहुत प्रो निकला है, तू तो बहुत प्रो है, प्रो प्रो ऐसा सुना होगा। प्रो मीन्स कोई भी व्यक्ति जो बहुत स्मार्ट हो या बहुत आगे तक चला गया हो या कोई भी चीज को बहुत मास्टर कर लिया हो, है ना, वो प्रो हो जाता है ना। गेम में भी प्रो वर्ड का यूज होता है। अब कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, तो जिनके पास सिर्फ आम सी आम जिंदगी जिनकी है, ठीक है, उनके पास तो क्या है, उनके पास में सिंपल सिंपल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, सारे के पास में, ज्यादातर के पास में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही है, ठीक है, तो वो सब यूकैरियोट्स है। पर जिनके पास कुछ एक्स्ट्रा होगा वही तो प्रो होगा, ठीक है। तो प्रो कौन है, जिसके पास में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है बल्कि न्यूक्लिक एसिड है, तो वो प्रो है, ठीक है, तो वो प्रो कैरियोट हो जाएंगे, ऐसे याद रखना, ठीक है। तो आसान भाषा में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिनके पास है वो यूकैरियोट, और जिनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है उसके उसका अपर वर्जन है, ठीक है, दैट इज न्यूक्लिक एसिड है, वो है प्रो वाले लोग, ठीक है, प्रो कैरियोट्स। समझ में आ गए, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये तो समझाने के लिए बता रहा हूँ, याद करने के लिए बता रहा हूँ, ताकि आपको याद इस तरीके से हो जाता है, ठीक है, बस याद करने का तरीका बता रहा हूँ, ताकि क्योंकि वरना मैं अगर ये नहीं बताता ना आपको, तो मैं बता रहा हूँ आपको 100% आप जब पेपर लिखने बैठोगे ना, कोई भी यूटी होगा पेपर, तो आपको ये गारंटेडली याद नहीं आएगा कौन सा वाला कौन सा था, ये नहीं पता, ठीक है, ये पता है कि एक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है एक में नहीं होता, ये याद रहता है, लेकिन अब कौन सा वाला कौन सा होता है वो याद नहीं रहता, ऐसे याद रहेगा आपको प्रो, कि प्रो मतलब कुछ अलग, ठीक है, और अलग क्या है, न्यूक्लिक एसिड, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो सब में ही होती है, ठीक है जी, क्लियर है। अब जिसके पास बुक हो तो मुझे बुक पकड़ा दो, क्योंकि एक दो चीजें हैं जो इसमें लिखी नहीं है और वो मैंने पढ़ी थी, समझिए कि ये जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर आखिर है क्या, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर आखिर होता क्या है, भाई ये सेल था, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, तो इस न्यूक्लियस के अंदर होते हैं क्या, क्रोमोसोम्स, ठीक है, क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स के अंदर, अब ये क्रोमोसोम वर्ड आपको नहीं पता ना, पहली बार सुना है ना, लेकिन जो मैं अगला वर्ड लिखूंगा वो आपको 100% पता है। इस क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, डीएनए, ये वर्ड तो पता है सबको, सबने सुना है ये वर्ड डीएनए, ठीक है, तो जो न्यूक्लियस होता है ना उसके अंदर क्रोमोसोम होता है और क्रोमोसोम के अंदर होता है डीएनए, ठीक है। अब ये डीएनए होता क्या है, डीएनए की फुल फॉर्म होती है मेरा साथ साथ में दिख रहा हो, ये एक शब्द है, ये एक शब्द है और ये एक शब्द है, डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है, डीएनए की फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड, इसकी फुल फॉर्म होती है। अब ये जो डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड इसकी फुल फॉर्म है, ये एक्चुअली में होता क्या है, तो बचपन से आपने सुना तो बहुत होगा, डीएनए टेस्ट करा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, टीवी सबने देखा है, है ना, लेकिन ये होता क्या है, ठीक है, तो ऐसे समझिए कि डीएनए के अंदर होती है क्या, जेनेटिक मटेरियल, डीएनए के अंदर होती है जेनेटिक मटेरियल। अब इसका मतलब क्या है, ई नहीं है, कहाँ नहीं है, इसमें आता है पक्का, ओके, तो कुल मिला के, हाँ मैं क्या बोल रहा था, तो अब ये डीएनए में होता क्या है, तो डीएनए में मैंने बोला क्रोमेटिन मटेरियल होता है। अब इसका मतलब क्या है, आसान भाषा में समझो, आप भाई जैसे हम कहते हैं कि हम हमारे पेरेंट्स जैसे दिखते हैं, क्यों, क्योंकि उनका डीएनए हमारे अंदर है, तो जब उनका डीएनए हमारे अंदर आया उसी टाइम से ये क्लियर हो गया था कि इस बच्चे की आईज कैसी होंगी, इसका कलर कैसा होगा, इसका बॉडी शेप कैसा होगा, ठीक है, इसकी हाइट कितनी होगी, ठीक है, ये सब चीजें पहले से ही डिसाइड हो जाती हैं, किस वक्त, जब फादर का स्पर्म मदर के एग से मिलता है उसी वक्त जब ये डिसाइड हो जाता है। इतनी बात समझ में आ गई, तो जिस वक्त फादर का स्पर्म मदर के एग से मिलता है उसी वक्त ये डिसाइड हो जाता है कि भाई ये बच्चा कैसा होने वाला है, ठीक है, क्यों, क्योंकि फादर के स्पर्म में और मदर के एग में क्या होते हैं, डीएनए होते हैं,
और डीएनए का, डीएनए में क्या है, क्रोमेटिन मटेरियल, यानी कि वो इन्फॉर्मेशन जो कि बताती है कि आने वाला बच्चा कैसा होगा। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये जो क्रोमोसोम्स है, समझ में आ गया कि जो न्यूक्लियस है उसके अंदर होता है क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर होता है डीएनए, और डीएनए के अंदर होता है क्रोमेटिन मटेरियल, जिसका मतलब ये है कि जो, हाँ, जेनेटिक मटेरियल, या फिर इसका एक और नाम भी है क्रोमेटिक मटेरियल, क्रोमेटिन मटेरियल। अच्छा, वो मुंह में आ गया, इसका ही मतलब क्या होता है, क्रोमेटिन मटेरियल या फिर जेनेटिक मटेरियल, एक ही बात है। ठीक है, एक ही बात है, क्रोमेटिन मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल, मतलब दोनों का यही है कि आने वाला जो बेबी होगा उसके अंदर क्या क्या फीचर्स होंगे, क्या क्या उसके गुण होंगे, वो सब कुछ जो है वो इसमें पता चल जाता है। क्लियर है जी? डन। तो यही था बस इसके अंदर। ठीक है, बाकी जब नेक्स्ट क्लास में साइटोप्लाज्म से पढ़ेंगे। थैंक यू। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन ऑल्सो आस्क अस इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सर।